सबसे आगे। सलमान अपना इंट्रोडक्शन खुद ही दे दो यार। हाय, मेरा नाम है सलमान अली और मैं हरियाणा मेवात पुनाने से आया हूँ। मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है और मैं संगीत ही अपना जीवन मानता हूँ। मैं संगीत के लिए ही जीता हूँ। और सलमान, ऑल द बेस्ट, गुड लक। सलमान, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, सिंग योर बेस्ट। थैंक यू मैम। टशन से गाना गाया यार तुमने। गुरु से पूछे, गुरु जावेद। सलमान की गायकी बहुत अच्छी है, मुझे बहुत बेहद पसंद है, हमेशा ही मैं कहता आया हूँ, लेकिन एक आध दो जगह मुझे थोड़े सिर कम लगे, लेकिन वो माफ़ करने लायक हैं। सलमान बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मुझे ओवरऑल गाने के अंदर एनर्जी लगी और जो भी आपने जगहें ली वो बहुत सफाई के साथ ली। थैंक यू गुरु जावेद। गुरु अदनान, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं समझता हूँ कि आज की आपकी जो परफॉर्मेंस थी वो मैं कहूँगा कि आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं थी।
एक जिस जैसे थोड़ा सा जो कोरस था उसने कोरस ने आपके साथ वो साथ उस तरह से नहीं निभाया, एक जगह पे मुझे थोड़ा सा रिदम में आपका थोड़ा सा लैग लगा, ठीक है। आपका जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है कि आप न सिर्फ बाकी बच्चों के साथ कंपीट कर रहे हैं, आप अपने आप के साथ कंपीट कर रहे हो। इसलिए मैंने जो सारे आपके गाने सुने हैं उनके मुकाबले में ये मुझे थोड़ा सा हल्का लगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपके अंदर जो काबिलियत है वो इतनी बेमिसाल है कि मैं आपसे 19-20 भी नहीं एक्सपेक्ट करता, क्योंकि आप इतने माशाल्लाह इतने टैलेंटेड हो। बट हैविंग सेड दैट, इट वाज अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। थैंक यू सर, थैंक यू गुरु अदनान। गुरु कैलाश, इस टशन बाज का गाना कैसा लगा आपको? कमाल का गाया है सलमान ने, और सलमान की विशेषता ये है कि वो गाने को भगवान का एक आराधना समझ के गाता है, स्तुति मान के गाता है। इसका स्वाद है थोड़ा मुश्किल चीज़ों को करने का, ये इसको मज़ा आता है। मैंने एक बार इससे पूछा कि तू मुश्किल गाने क्यों चुनता है, कि जी बस वहीं से तो और सीखने को मिलेगा। तो ये जो जिज्ञासु मन है इसका, जो उत्सुक मन है, ये मन जो है ये बाबा की देन है। और मैं मुझे लगता है सारे ही बच्चों में अगर भगवान देखना हो तो इनकी गायकी और इनके स्वरूप को देख लो तो दाता दिख जाएंगे। और आज भी सलमान ने ऐसा ही गाया है, बहुत गजब। थैंक यू गुरु कैलाश। तो महागुरु क्या कहना चाहेंगे आप? भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इस गाने में खास चीज जो थी वो स्पिरिट थी और एनर्जी। बाकी मामूली गलतियां तो होती हैं, हाँ अगर ना हो तो बहुत अच्छा। तो गाने का ओवरऑल इम्पैक्ट जो है इस गाने का वो बहुत अच्छा था। कोरस ने गोल मारे हैं, लेकिन कोरस में इस यहाँ उनका जो गाया हुआ वो महत्वपूर्ण उतना नहीं जितना सलमान का गाया हुआ महत्वपूर्ण है, तो उसको मैं नज़रअंदाज करूँगी। सलमान तुम जो गा रहे थे ना, अभी मेरी स्थिति वही है, मनोस्थिति। मैं बिल्कुल ऐसे टशन में हूँ कि अब क्या करूँ या क्या ना करूँ, मतलब अलका जी परेशान हूँ मैं बहुत। मसला ये है ना जी कि लेवल जो है वो सब बच्चों का, खास तौर पे सलमान का, वो इतना 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 स्ट्रांग हो गया है, इतना ऊपर हो गया है, तो फिर आपको बहुत मुश्किल से खोद खोद के ढूंढना पड़ता है कि भाई किस चीज को मैं देखूं। और अगर ज्यादा खोदते जाओ तो कुछ ना कुछ निकल ही आएगा। Correct. लेकिन उतनी खोदने की जरूरत क्या है खोदने की? तो फिर आप एलिमिनेट किस तरह से करेंगे? वो आप मेरे पर छोड़िए, दैट्स माय प्रॉब्लम माय फ्रेंड, दैट इज एंटायरली माय प्रॉब्लम। हेलो सबसे आगे